हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस सी स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज बात करेंगे परमिट टू वर्क रिक्वायरमेंट इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन किस तरह का होना चाहिए जिसमें कि पीटीडब्ल्यू की जरूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें देखेंगे ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटी है इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके वजह से वहाँ पीटीडब्ल्यू लिफ्टिंग ऑपरेशन में लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पीटीडब्ल्यू होता क्या है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है रिगिंग ऑपरेशन में। तो पीटीडब्ल्यू इज इशू टू अश्योर सेफ वर्क प्रैक्टिस। पीटीडब्ल्यू को इसीलिए इशू किया जाता है कि जो एक्टिविटी हो रहा है वो सेफली हो, सेफ वर्कमैन वर्कमैन सेफ रहे एंड सेफ इक्विपमेंट और इक्विपमेंट भी सेफ रहे। तो इसलिए यहाँ पे पीटीडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब देखेंगे पीटीडब्ल्यू सिस्टम लिफ्टिंग ऑपरेशन में कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे पीटीडब्ल्यू इज मस्ट इफ रिगिंग एनीथिंग 10 टन और अबव। और अगर 10 टन और उससे ज्यादा उठाना है तो यहाँ पे पीटीडब्ल्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीटीडब्ल्यू इज मस्ट इफ अदर वर्कमैन वर्किंग एट द सेम लोकेशन, मीन्स साइमल्टेनियस ऑपरेशन हो रहा है, सेम एक्टिविटी अगर कहीं पे क्रेन ऑपरेशन हो रहा है और वहीं पे दूसरे एक्टिविटी के भी वर्कमैन काम कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे पीटीडब्ल्यू करना है। और पीपीडब्ल्यू करने के बाद उस साइमल्टेनियस जो ऑपरेशन हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, जिस समय लिफ्टिंग ऑपरेशन होगा। तो ये पीटीडब्ल्यू करने के माध्यम से उनको बताना जरूरी है और उनको वहाँ से रिमूव करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे पीटीडब्ल्यू इज मस्ट इफ यू आर रिगिंग एट हाइट। रिगिंग पे अगर हाइट पे रिगिंग हो रहा है तो पीटीडब्ल्यू करना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस के अंदर रिगिंग ये ऑपरेशन चल रहा है तो भी वहाँ पीटीडब्ल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस तो ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और साथ में यहाँ पे है जो ये एक और ही अलग एक्टिविटी हो रही है लिफ्टिंग ऑपरेशन का, तो वहाँ पे तो मस्ट है। और यूजिंग मैन बास्केट, और जब मैन बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है मीन्स क्रेन से आदमी को ऊपर उठाना, मैन बास्केट में आदमी लेके जाते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे पीटीडब्ल्यू का सिस्टम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे पीटीडब्ल्यू इज मस्ट वेन रिगिंग एनी वेयर इन साइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब पीटीडब्ल्यू वहाँ पे जरूर लगेगा जहाँ रिगिंग ऑपरेशन हो, इसी जगह हो रहा जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, वहाँ जनरली काम नहीं किया जाता था। मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब है कमीशनिंग एरिया या प्रोसेस प्लांट जहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन चालू है, तो वहाँ पे अगर ये सब एक्टिविटी करना है तो वहाँ पीटीडब्ल्यू सिस्टम लगेगा, क्योंकि अब विशेष प्रिकॉशंस की जरूरत है, सारे काम वहाँ पे विद प्रिकॉशंस करने हैं, तो वहाँ पे पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना है। नेक्स्ट इज द पीटीडब्ल्यू इज मस्ट इफ यूजिंग मटेरियल फॉर एक्सेस सच एज स्कैफोल्ड, एल्यूमिनियम लैडर, इट इज इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे कि कन्फाइंड स्पेस हो गया, प्रोसेस एरिया हो गया, ये सब एरिया में अगर कुछ हम स्कैफोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में वहाँ पे रिगिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पे पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना है। नेक्स्ट है एवरी वन मस्ट बी इन्फॉर्म एंड अवेयर ऑफ एक्टिविटी इफ वर्किंग रेडियस ऑफ क्रेन कम इन द एरिया। अगर कहीं पे क्रेन ऑपरेशन चल रहा है और उस एरिया में उसका जो रेडियस आ रहा है क्रेन का, मीन्स क्रेन का बूम का लेंथ के अनुसार, वो एरिया का वो 360 डिग्री में जो बूम का जितना लेंथ को कवर करता है, और अगर उस एरिया में कुछ काम करने वाले हैं तो वहाँ पे पीटीडब्ल्यू फॉलो करना है और लोगों को बताना है, ताकि गलत वहाँ से जिस समय ऑपरेशन हो रहा हो उस समय उन लोगों को वहाँ से रिमूव करना है। नेक्स्ट देखेंगे नॉन रूटीन एक्टिविटी हो, तो जनरल एक्टिविटी बोले नॉन रूटीन जो कभी कभी आती है, कभी कभी करना पड़ता है, तो ये कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें यहाँ पे भी पीटीडब्ल्यू लगेगा। जैसे कि कंटिन्यूशन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन विद डिफरेंट इक्विपमेंट, कंटिन्यूशन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन विद डिफरेंट इक्विपमेंट, मतलब एक्टिविटी सेम है और वो कंटिन्यू चल रहा है बट डिफरेंट इक्विपमेंट से किया जा रहा है। तो डिफरेंट इक्विपमेंट सेम इक्विपमेंट का क्या हुआ, हो सकता है उसका माल फंक्शन हो गया यानी कि ब्रेकडाउन हो गया तो उससे काम नहीं कर सकते, अब यहाँ पे दूसरा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेसी इक्विपमेंट है, पूरा नहीं है, तो उसके जगह पे दूसरे क्रेन का या लिफ्टिंग इक्विपमेंट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है, या अनसुटेबिलिटी और सुटेबल उसके लिए नहीं हो रहा है तो दूसरे क्रेन को या लिफ्टिंग मशीन को लाना होगा, तो इस केस में यहाँ पे पीटीडब्ल्यू सिस्टम लागू करना है। नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ टू क्रेन टैंडम लिफ्ट विद इन सेंसेटिव और इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो सेंसेटिव एरिया में हो
या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर एक से दो क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है तो उस केस में भी यहाँ पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना है। लोड हैज आउट ऑफ सेंटर ग्रेविटी, अब लोड ऐसे हैं जिसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो रहा है, उसको कितने भी करने के बाद थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट होने का मतलब है कि जब इसको उठाएंगे तो मूव करेगा। अब जिस डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं क्लियर है तो उधर की ओर मूव करेगा, तो ये किसी भी चीज़ से टकराने का डर है, तो उस केस में वो कौन सा एरिया में इसको इस तरह का एक्टिविटी में करना जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा मूवमेंट आएगा लोड में, तो वहाँ पे भी है जो ये नॉन रूटीन एक्टिविटी है, इसमें पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना है। नेक्स्ट है द लोड इज फ्रेगाइल, मीन्स ऐसे लोड को उठाना है जो फ्रेगाइल हो, मीन्स फ्रेगाइल मीन्स इसमें स्ट्रेंथ कम होती है, थोड़ा सा उस पर लोड आने से वो टूट सकता है, तो ऐसे लोड को उठाने के लिए बहुत प्रिकॉशंस की जरूरत है और उनमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है तो इसके लिए पीटीडब्ल्यू फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है द लोड हैज ए लार्ज सरफेस एरिया लार्ज स्ट्रक्चर, अब लोड इस तरह का है कि वो सरफेस एरिया को ज्यादा कवर कर रहा है या स्ट्रक्चर उसका काफी लार्ज है, तो इस केस में जब यहाँ पे मटेरियल उठाया जाएगा तो इस केस में भी यहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर उठा रहे हैं और सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पीटीडब्ल्यू फॉलो करना है। नेक्स्ट है इफ चांसेज ऑफ लोड रोटेशन और ओवरटर्न, अगर चांसेज है कि लोड रोटेट करेगा या ओवरटर्न हो सकता है, उल्टा हो सकता है, तो उस पर पूरी नजर रखनी है और उसके लिए यहाँ पे पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वैसे चीजों पे जिसमें पीटीडब्ल्यू सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो कौन कौन से ऑपरेशन है, किस तरह की एक्टिविटी वो देखते हैं। रूटीन लिफ्ट ऑल द एक्टिविटी नीड नॉट पीटीडब्ल्यू, तो क्या क्या है, लिफ्ट विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग पैरामीटर, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग पैरामीटर का मतलब जो एक्टिविटी डेली चल रही है और उसी पैरामीटर में काम हो रहा है क्रेन से, तो उस केस में वैसे एक्टिविटी को करने के लिए पीटीडब्ल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी है लिफ्टिंग ओवर नॉन सेंसेटिव एरिया, माने लिफ्टिंग ऐसे एरिया में किया जा रहा है जहाँ की नॉन सेंसेटिव एरिया है, माने सेंसेटिव नहीं है, वहां पे पीटीडब्ल्यू फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन काफी अच्छा है और सारे पैरामीटर है जो ऑपरेटिंग पैरामीटर के अंदर है, सेंसेटिव एरिया नहीं है, तो वहां भी और सुटेबल इन्वायरमेंट है तो वहां भी पीटीडब्ल्यू फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेम फंक्शन और सीरीज ऑफ सिमिलर फंक्शन रिपीटेड, अब जो क्रेन से जो काम किया जा रहा है, रिगिंग जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो सेम हो, यानी सीरीज ऑफ सिमिलर फंक्शन चल रहा है, रिपीटेड चल रहा है, चाहे वो मैनुअली हो या ऑटोमेटिकली हो, खास करके इस एक्टिविटी में जो कि अगर लोड हैवी है तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मैनुअली ही होगा बाई क्रेन से, तो उस केस में यहाँ पे भी है क्या है, रिपीटेड एक्टिविटी में भी यहाँ पीटीडब्ल्यू फॉलो नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑपरेशन के केस में, क्रेन ऑपरेशन के केस में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कि पीटीडब्ल्यू फॉलो करना है और कौन सी एक्टिविटी जिसमें पीटीडब्ल्यू फॉलो नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।